थैंक यू प्रभुजी। हरे हाँ जी माता जी, यस माता जी, आरिशा माता जी, आपको धन्यवाद माता जी, आप आए। श्रील गौड़ किशोरदास बाबा जी महाराज से, और बार बार उन्होंने मना कर दिया था। रामानुजाचार्य जी का भी आपने उदाहरण दिया। तो प्रभु जी, जैसे कोई एक साधक है और उनकी दीक्षा नहीं हुई है, तो वो ये सोचते हैं कि हमारी दीक्षा नहीं हुई, हमारी दीक्षा नहीं हुई, तो निराश हो जाते हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को तो उनके पिता का मिला हुआ था संरक्षण। तो एक जो साधक है, अगर वो ऐसे सोचता है कि अभी हमारी दीक्षा नहीं हुई, हमारी दीक्षा नहीं हुई, तो फिर उनको क्या सोचना चाहिए? उनको दीक्षा के लिए भीख मांगते रहना चाहिए, उनको दीक्षा के लिए भीख मांगती रहनी चाहिए। देखिए, कई बार होता क्या, लोगों को एक जो मिसकंसेप्शन है वो है, दीक्षा इज एन इवेंट। दीक्षा जो है एक इवेंट है, मतलब कि फला फला दिन मेरी दीक्षा हुई थी। ये स्टेटमेंट अपने आप में पूरी तरह से सही नहीं है। दीक्षा इज अ प्रोसेस। जिस दिन हम ये ठान लेते हैं मैं फला फला गुरु जी से ही दीक्षा लूंगा, अगर दीक्षा नहीं मिली तो प्राण त्याग दूंगा अपने, लेकिन दीक्षा लूंगा तो उन्हीं से लूंगा, जिस दिन उसने ऐसा रिजॉल्व किया उसी दिन से उसकी दीक्षा शुरू हो जाती है। ही इज ऑलरेडी इनिशिएटेड नाउ, क्योंकि उसने द प्रोसेस इज नाउ इनिशिएटेड, द प्रोसेस इज नाउ इनिशिएटेड, इनिशिएशन की प्रोसेस इनिशिएट हो गई, क्योंकि उसने क्या ठान लिया, दीक्षा लूंगा तो इन्हीं से लूंगा। तो अब ये प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में एक दिन दीक्षा प्रोग्राम भी होता है, हम बैठते हैं, यज्ञ होगा, स्वाहा स्वाहा, ओके आज से आपका नाम है ललिता सखा सखी देवी दासी, और आज से आपका नाम है महाप्रभु कीर्तन दास। दीक्षा हो गई, नाम मिला आपको, सॉरी आपका नव्य ललिता सखी, सॉरी माता आपका नाम, आई फॉरगॉट द नेम, नव्य ललिता देवी, नव्य ललिता माता जी। तो इस प्रकार से हमें नाम मिला, सो दैट वॉज अ पर्टिकुलर डे ऑफ सेलिब्रेशन। लेकिन दीक्षा उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन हमने अपने गुरु को स्वीकार किया था कि आज अगर हमारे गुरु महाराज होंगे तो यही होंगे। और जब दीक्षा हो जाती है, आपका नाम मिल गया, आज आपका नाम ये कृष्णदास राधिका दासी, उसके बाद भी दीक्षा चलती रहती चलती रहती चलती है, जब तक तो हमें कृष्ण प्रेम नहीं मिलता दीक्षा चलती है, उसके बाद भी चलती है, हमारा नित्य संबंध है अभी। तो इसीलिए हमारी दीक्षा नहीं हुई, दीक्षा नहीं हुई, यानी कि ऐसे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि दीक्षा इज एन इवेंट। दीक्षा कोई घटना या दुर्घटना नहीं है, दीक्षा एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है जो कृष्ण प्रेम तक चलती है, उसके बाद भी चलती है। तो इसीलिए जिनकी जो बोल रहे हैं हमें दीक्षा नहीं हुई, ऐसा वो कनेक्शन है, श्रद्धा है आपके गुरु में, कहते हैं बहुत श्रद्धा है, बस एक दिन हमें गुरु महाराज स्वीकार कर लें, जिस दिन क्योंकि भावना आ गई तो यानी कि दीक्षा उनकी शुरू हो चुकी है, हो चुकी है। तो ये कंसेप्शन जो है क्लियर होना चाहिए ऐसे लोगों को। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको वास्तव में दीक्षा में इंटरेस्ट नहीं है या गुरु में इंटरेस्ट नहीं है, वो बस ये चाहते हैं कि हम भी दीक्षित भक्तों के क्लब में काउंट हो जाएं, उनको बस ये चाहिए। मेरा नाम ना बड़ा अजीब सा है पप्पू, तो अच्छा सा नाम मिल जाएगा, पतित पावन दास है ना, पतित पावन गौर दास, समथिंग लाइक दैट, आई गॉट अ गुड नेम यार। तो हम भी चाहते हैं भाई हमको नाम अच्छा मिल जाए, और हम भी इंट्रोड्यूस हो, अरे दीक्षित भक्त हैं, दीक्षित, अरे दीक्षित तो कहीं हो गए, राजीव दीक्षित, माधुरी दीक्षित, शीला दीक्षित, दीक्षा तो पर एक दीक्षित है। तो ऐसे लोग क्या है, नाम के दीक्षित है। तो इसीलिए सिर्फ नाम से दीक्षित होना जरूरी नहीं है, दीक्षित एक्चुअली मीन्स कि मैं गुरु के साथ मेरा गहरा हृदय का संबंध है। और दीक्षा होने का मतलब ये भी है कि गुरु की वाणी से आ सकती। आई नो मैनी डिसाइपल्स जो अपने गुरु का एक लेक्चर नहीं सुनते, एक लेक्चर उनके, अगर खोल के देखे ना उनका आईपॉड आईफोन जो भी उनके पास है, लेकिन उसमें तो गुरु का लेक्चर है ही नहीं ना, गुरु की किताब पढ़ते हैं वो, लेकिन दीक्षा ले हुई है, किनके डिसाइपल फला, फला फला महाराज जी के, उनके लेक्चर सुनते हैं, नहीं उनकी वो अलग भाषाएं बोलते हैं, नहीं सुनते हैं। तो भाषा सीख लो, नहीं मैं आलसी हूँ, सीखूंगा भी नहीं, सोऊंगा, सीखूंगा नहीं। तो गुरु का लेक्चर नहीं सुनते ना गुरु किताब पढ़ते, इसलिए स्वीकार के लिए फला फला एरिया में फला फला गुरु जी दीक्षा दे, हम हाँ दीक्षा देने के बाद। तो ये एक्चुअली कनेक्शन है ही नहीं, गुरु के साथ कनेक्शन नहीं है। गुरु की महानता, गुरु की कृपा उनकी वाणी के अंदर है। दीक्षा की आत्मा है शिक्षा, जैसे शरीर में आत्मा की वजह से प्राण होते हैं, उस तरह से दीक्षा में जान किससे आती है, शिक्षा से।
जिस दीक्षा के अंदर शिक्षा ही नहीं है वो दीक्षा भी खोखली रहती है, वो दीक्षा में जानी नहीं होती, और इसलिए ऐसा शिष्य जो है नियम भी तोड़ते रहता है, उसे नियम टूटते रहेंगे, उसे नाम भजन में आगे भी चलेगा उसे, क्यों? बिकॉज दीक्षा की आत्मा है शिक्षा, पर तो गुरु शिष्य लेते नहीं, दे जस्ट वॉन्टेड टू गेट इनिशिएटेड सो दैट आई एम काउंटेड इन द क्लब ऑफ इनिशिएटेड डिवोटीज, दीक्षित भक्तों के क्लब में मैं काउंट हो जाऊं, बस दैट्स इट। पर गुरु की वाणी सुननी चाहिए, रेगुलरली सुननी चाहिए, शिक्षा मिलती रहेगी तो दीक्षा के अंदर जान रहेगी, नहीं तो दीक्षा खाली हो जाती, खोखली हो जाती है वो। या तो इससे कभी कभी ऐसे मेंटालिटी के लोग भी होते हैं, दे डू नॉट नो द रियल मीनिंग ऑफ दीक्षा, बिकमिंग अ डिसाइपल, डिसाइपल मीन्स बिकमिंग डिसिप्लिन्ड, और क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन हो नहीं पाते इसलिए डिसाइपल भी हम बन नहीं पाते। दीक्षा कहीं की होती है, डिसाइपल कोई कोई बनता है, दीक्षा कहीं की होती है, शिष्य कोई कोई बन पाता है, ऐसा।